Students, hello and very good morning to all. Welcome to Career Defense School online classes. Students, today we will discuss about subject verb agreement. Subject verb agreement, what is this? क्या होता है? Subject माने, as you know that, हमारे पास sentence में क्या portion होता है? एक subject होता है, ठीक है? एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब में भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है, ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है बच्चे? इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी. ऐसे तो है नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला जो डूअर है वो सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा देंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, जो सब्जेक्ट की इमीडिएट आफ्टर आएगी, राइट. सो इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब agreement. The subject is used according to the verb is used according to the subject, right? So the basic rule of the subject verb agreement is ki basic rule of the subject verb agreement is singular subject must have singular verb, plural subject must have plural verb. जो मैंने अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, ओके. अब ही क्या है, सब्जेक्ट, और साथ में क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी. अब यहाँ तो ये थोड़ी ना लग जाएगी ही आर गोइंग टू स्कूल, नहीं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज लगेगी, आई के साथ एम, अगर पास्ट होगा तो वॉज लगेगा, ठीक है. तो वर्ब अकॉर्डिंगली यूज होगा सब्जेक्ट, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है कि यू आर गोइंग टू स्कूल या दे आर गोइंग टू स्कूल, दे क्या है, प्लूरल है, तो विल यूज आर, ठीक है. तो बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब, plural subject must have plural, right? This is a very basic rule. Okay. अब चलो कुछ छोटे छोटे rules और हैं, उनको हम discuss करते हैं, ठीक है. अब देखो, the pronoun you always take plural. Ma'am. ठीक है, अगर हमारे पास pronoun है वे. हाँ जी students. Student, this is our second lecture on subject verb agreement, right? So, in this lecture, we will discuss about how we are going to use helping verb according to the subject. Right? Clear? Okay. रुकिए मैं एक बार आप लोगों को कर दूँ, मैसेज फॉरवर्ड कर दे. Okay. चलिए अब देखिए क्या होता है कि if we have two subjects, Navjot. हाँ जी बेटा. नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, कहते हैं कि इफ टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट क्या हो, किससे ज्वाइन कर रहे हो, एंड से, और दोनों क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन या थिंग्स हो, तो जब भी हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कौन सा हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा, ऑफकोर्स, राइट. क्लियर है? यस मैम. ठीक है, कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, और दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वील यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाइक दिस. लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग द नॉवल.
लैरी क्या है सब्जेक्ट वन, मर्सी क्या है सब्जेक्ट टू, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, दोनों काम कर रहे हैं, सो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई आर। माय टीचर एंड फ्रेंड इज देयर। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, एक और रूल है कि इफ टू सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कितने हो, दो हो और जॉइन हो एंड से, एंड दोनों का मतलब क्या हो, एक ही हो, दोनों सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक ही हो, तो विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाइक माय टीचर एंड फ्रेंड। माय टीचर जो कि क्या है, और फ्रेंड, हाँ जी, कि अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, ठीक है, एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों क्या है रिप्रेजेंट एक ही चीज को कर रहे हैं, इंडिकेट एक ही चीज को कर रहे हैं, सो विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाइक माय टीचर एंड फ्रेंड। माय टीचर मेरी फ्रेंड भी है, तो माय टीचर एंड फ्रेंड इज हेयर, दोनों का मतलब क्या है, एक है, टीचर भी वही है और फ्रेंड भी वही है, सो हमने क्या किया इज लगाया, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा रूल है बेटा कि अगर दो सब्जेक्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है, एंड से ज्वाइन करें तो विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और दोनों एक है देन विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक रूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नीदर नॉर और ईदर और, अभी हमने किया भी था ये रूल कि इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नीदर नॉर ईदर और, सो हमारे पास क्या है बच्चे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और लगेगा किसके, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट वन है, ये हमारा सब्जेक्ट टू, इधर मम्मी और डैडी इज कमिंग विद मी एट द आउटबाउंड, ठीक है, तो डैडी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइक नीदर फ्रेडी नॉर डल्से इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, तो डल्से के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, सेकंड सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल सा रूल है कि नीदर नॉर और इधर और से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं कोई दो सब्जेक्ट्स को, सो द हेल्पिंग वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, क्लियर है बच्चे, इफ यस देन प्लीज शो मी थम्स साइन। ओके, अभी ये रूल समझ आ गया कि इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग प्लूरल नाउन, फिर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, क्योंकि क्या है, हमने क्या लगा रहे हैं, वन ऑफ द बॉयज, यानी बॉयज में से कोई एक, वन ऑफ द मेंबर्स में से कोई एक, एक की बात कर रहे हैं, तो विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सो सिंपल, ठीक है। अगर अब देखो, इफ वी हैव indefinite pronoun, you know that what is indefinite pronoun, when the noun is not definite, pata na ho, to indefinite mein words several, few, both, many, others, ye lage ho, ye words kaun se hote hai beta, plural word hote hai, plural word hote hai, jahan noun define nahi hota, do minute, abhi nam na kar pehle sun lijiye please ek bar ke liye, theek hai, ki agar indefinite pronoun hamare paas hote hai like several, few, both, many, others, और sentence इनसे start हो रहा है, like both were asking to be read, ठीक है, several are seeking justice, ठीक है, तो ऐसे words होते हैं, ये plural के sense में use हो रहे होते हैं, तो helping verb definitely plural रहेगा, अगर subject की जगह ये होते हैं, both, several, या few, यहाँ आ गया subject की जगह, many आ गया, others आ गया, सब्जेक्ट ही जगह आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल रूल, इनडेफिनेट प्रोनाउन किया हुआ प्रोनाउन में हमने, व्हेन द नाउन इज नॉट डिफाइंड द सब्जेक्ट की, जिन्हें एक्शन किया दैट वी नो दैट, बट हु डिड द एक्शन वी नेवर नो, ठीक है, तो फिर हम ऐसे प्रोनाउन यूज करते हैं, करेक्ट, जो कि इनडेफिनेट होते हैं, व्हेन द नाउन इज नॉट डेफिनेट डिफाइंड, ठीक है, तो ये सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स, बोथ, ही क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, राइट, क्लियर है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है बेटा, प्लूरल लगती है, क्लियर है बच्चे।
Okay. Next is, okay. The indefinite pronoun like some, most, all, none. कुछ indefinite pronoun like कौन कौन से some, most, all, none are singular और plural. दोनों इनके साथ क्या है singular दोनों plural दोनों helping verb लगती है. We are using them according to the sentence meaning. ठीक है क्या meaning of the sentence के according हम क्या helping verb use करते हैं. Like some of the girls were absent. Some of the girls girls कितनी एक्सेस लड़कियां कुछ एक लड़कियां एबसेंट है तो वर हो गया. सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट. आइसक्रीम क्या है सिंगुलर यूज करेंगे तो इज लगा दिया. तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. अगर यहाँ प्लूरल होगा तो प्लूरल लगा देंगे. सम के आगे नाउन प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. सम या ऑल या मोस्ट के आगे सिंगुलर है देन वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. सिंपल क्लियर है बच्चे. Okay, student. Rule number 10 says when any of the following indefinite pronoun is the subject, yani ke ya to everybody or subject ki jagah ya each, no one, another, anybody, nobody, everything, nothing, anyone, either, neither, theek hai, somebody, someone, ye agar word subject ki jagah hote hai bache ye yaad karne padenge aapko. Agar ye word subject ki jagah lagte hai to helping verb jo hogi na वो कौन सी रहेगी हमेशा सिंगुलर रहेगी. क्या रहेगी सिंगुलर रहेगी. लाइक एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज अ मेंबर. एवरी मैन हर एक. ठीक है ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ होता है कि सब्जेक्ट की जगह ये बड़े वर्ड है ये वर्ड सब्जेक्ट की जगह लगे हुए हैं देन वी विल ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. राइट कीप इन माइंड. क्यों क्योंकि ये वर्ड हमेशा क्या है सिंगुलर के लिए ही यूज किए जाते हैं. मतलब इनका मतलब एवरीबडी यानी कि हर कोई एक इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं ये वर्ड. सो करके हम इनके साथ क्या है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं. ठीक है अब बच्चे टाइम मनी वेट और डिस्टेंस ये दिखने में क्या है आर सिंगुलर. दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं. ठीक है ओके बट इनके साथ क्या है हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हमेशा. लाइक टू इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट. टू इयर्स आर नहीं होता कभी भी. हम क्या करते हैं टू देखा ना चक के हम प्लूरल लगा देंगे. टाइम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर सिंगुलर इवन इफ The form is plural. चाहे form plural हो पर वो हमेशा singular ही consider होते हैं. So we'll always going to use singular helping verb. Like 2 years is a long time to wait. $1 million. अब $1 million आप कहोगे बहुत सारे होते हैं. हम तो plural helping verb लगाएंगे. But no, it's wrong. We're going to use singular helping verb. Long time. $1 million was given back to the owner. ठीक है. So, with the time, money, weight, and distance, we are going to use singular helping verb. Keep in mind. Clear, bachche? Okay. Rule number 12 says, when the amount of money referred to separate unit, अलग अलग units में बताया गया हो, like money बोल सीधा centavos बोला हो, तो क्या है? हम या तो सीधा 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, अलग अलग units बताइए. तो हम क्या करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. लाइक 5 25 सेंटोस कॉइन. ये अलग अलग बताया है ना. एक ही नहीं बताया कि 25 कॉइन्स होते तो सीधा हम कुछ कर सकते थे सिंगुलर लगा देते या मनी की सीधी बात होती. ठीक है ये सेंटोस के अकेले की बात होती सिंगुलर लगा देते. बट यहाँ पे इन्होंने 5 25 सेंटोस कॉइन 60 100 पेसो बिल्स ये अलग अलग यूनिट्स में बताया है ना पैसों को करेंसी को. तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ठीक है ओके बच्चे देयर आर सम नाउन्स. ठीक है नाउन वर्ड लाइक देयर आर सम नाउन्स जो कि हमें क्या है लुक लाइक प्लूरल लगते हैं. पैंट्स ट्राउजर प्लू प्लेयर्स सीजर्स टॉन्ग्स
इनके पीछे ऑलरेडी एस लगा होता है ना, हमें ये प्लूरल लगते हैं, बट ये हमेशा किसमें यूज होते हैं, दे आर यूज इन द पेयर, ठीक है। सो ये एक ही कंसीडर होंगे, पेयर में यूज होते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या है, एक कंसीडर होंगे, सो वी विल ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द पैंट्स आर टॉर्न इन टू टू, अगर हम कहें कि ये दो हिस्सों में कर दी गई है, जैसे पैंट है, ठीक है, अब पैंट को क्या है, अगर हम टॉर्न करके, टॉर्न माने फाड़ना, फाड़ के दो हिस्सों में कर देते हैं तो हम प्लूरल लगाएंगे, अगर अकेला पैंट्स लगा रहे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए, लाइक द पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर्स वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब पेयर, पेयर माने क्या हो गया, जोड़ा, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इनको अलग अलग यूज कर रहे हैं, लाइक पैंट को टॉर्न कर दिया, यानी कि एक को हमने डिवाइड करके दो हिस्सों में कर दिया, तो वील यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, पर अगर हम इन्हें पेयर में यूज कर रहे हैं, देन वील ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट रूल इज दे आर कंटेनिंग नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जो लुक लाइक हमें बड़े प्लूरल लगते हैं, भाई न्यूज हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, लग रहा है ना, ऐसा लगा है प्लूरल है, ठीक है, दो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट मीनिंग उनका क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो फिर वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इवन जब हम कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, सब्जेक्ट ये वाले नहीं, इंग्लिश वाला जो यहाँ सब्जेक्ट होते हैं वो वाले सब्जेक्ट, माने मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इन सबके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, कभी भी प्लूरल नहीं लगता, ठीक है, ध्यान में रखना, ओके। रूल नंबर 15 करें कि व्हेन अ वर्ड इज प्रेसिडेड बाय ए, अगर कोई भी वर्ड के आगे हम क्या है, ए लगा देते हैं, और इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, लाइक अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ माने बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि ए लग गया, आप तो कहोगे मैडम ए लग गया सिंगुलर है, बट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट नाउन क्या है, प्लूरल है, कि चाहे ए लग गया पर अगर नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर वेटिंग फॉर आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड, सॉरी, ठीक है, क्लियर है? सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई भी नाउन प्रोसीड कर रहा है द से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द लगाने का मतलब हो गया स्पेसिफिक, तो करके हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। बच्चे आज होमवर्क है, 1 to 15 तक आपने ये रूल्स लिखने हैं इन योर नोटबुक, डन। 1 to rule number 15 तक यू आर गोइंग टू नोट दिस रूल्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दैम, करेक्ट, डन। दिस इज योर होमवर्क, आई एम गोइंग टू सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस, प्लीज नोट दिस इन योर नोटबुक।